दोस्तों, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 साल पहले एक बार हेयर ट्रांसप्लांट किया था और अभी सेकेंड टाइम मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है ये सेफ़ है कि नहीं, ये डाउट होता है अगर करना चाहिए कि नहीं, कौन से केस में करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन से डॉक्टर से करवाना है, तो ये वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। स्टेज वाइज मेरा क्या प्रोसीड्योर चल रहा है और क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि हेयर ट्रांसप्लांट के जुड़े जितना भी आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाए। और कुछ भी जवाब ना मिले तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसमें जवाब दे दूँगा। तो बात यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने पहला हेयर ट्रांसप्लांट किया था क्योंकि मेरा फ्रंटल हेयर चला गया था। तो उस टाइम में अराउंड 2015-16 का अराउंड मैंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था, जहाँ पे मैंने 2200 ग्राफ्ट मेरा सामने के एरिया में इम्प्लांट किया हुआ था। तो डॉक्टर ने बताया था कि 5-6 साल बाद आपको शायद क्राउन एरिया में फिर से करना पड़े क्योंकि नेचुरल हेयर है, लॉस होएगा तो उसके लिए फिर से करना पड़ेगा। तो मैं भी लास्ट 1-2 साल से मैंने नोटिस किया कि मेरा क्राउन एरिया थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा है। ये एरिया में भी मुझे थोड़ा रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। रिज़ल्ट मतलब उनका जो हेयर लाइन बनाना है, या बहुत आप देख सकते हो बहुत स्टीप उन्होंने हेयर लाइन बनाया जो नेचुरल नहीं दिखता। तो लास्ट मंथ मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर भवेश। तो मुझे डॉक्टर बहुत कन्फिडेंट लगे, मुझे बात करके मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि टॉप क्राउन एरिया में भी पूरा कर देंगे, अराउंड 4000 ग्राफ्ट लगने वाला है। तो 2 दिन का प्रोसीड्योर रहेगा ये। तो मैंने लास्ट मंथ ही डेट बुक कर लिया था, तो ये मंथ मेरा आज फर्स्ट डे है और कल भी डेट है। 2 दिन लगातार प्रोसीड्योर है जहाँ पे मेरा कंप्लीट 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट होंगे। तो पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। स्टार्टिंग मेरा कल से हो गया, कल मैंने हेड शेव कर लिया है। शेव मतलब नॉट विथ ब्लेड, इट्स विथ ट्रिमर। आप डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं आप वैसा कर सकते हो। यहाँ पर मुझे सजेस्ट किया गया था कि मैं 0 ट्रिमर से शेव कर लूँ, उसके बाद शैम्पू वगैरह करके क्लीन कर लिया। सो कल से मेरा दवाई भी स्टार्ट होगा, एक एंटीबायोटिक और एक ब्लड रोकने के लिए, ताकि प्रोसीड्योर में जितना भी ब्लड लॉस हो कम से कम हो और ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। तो ये भी दवाई चालू हो गया कल से। और आज मेरा सुबह 7:30 बज रहे, अभी मेरे को स्टार्ट करना है प्रोसीड्योर। मे भी 5-6 घंटा लगेगा जैसा डॉक्टर ने बताई है प्रोसीड्योर में। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोपहर तक आ जाओ वापस और आपके साथ और एक वीडियो शेयर करूँ कि प्रोसीड्योर के बाद क्या सीन होता है। और ये 4000 ग्राफ के लिए मुझे चार्ज कर रहे अराउंड 80,000 प्लस कुछ टेस्टिंग के लिए 5-10,000 मान सकते हो। तो एवरी ग्राफ्ट आप 1 ग्राफ्ट के लिए 20 रुपीज़ ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली क्लॉस जो जाएगा। सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, आपके डॉक्टर से ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, कम भी चार्ज करते हैं। जो मेरा लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट। और हाँ, यहाँ पे एक कैच है दोस्तों कि डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ भी रैंडम सजेस्ट करेंगे और आप ले लो ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका हेयरलाइन, जैसे मेरा ये हेयरलाइन बहुत आगे आ गया है तो ये मेरे एज के हिसाब से नेचुरल नहीं दिखता है। तो अभी जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसको पीछे लेने से बेटर था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है। तो आप जब हेयरलाइन बना रहे हो तो थोड़ा नेचुरल लुकने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम सामने लेके आ जाओ, थोड़ा पीछे ही रखने की कोशिश करो ताकि आपको जो एज के साथ जो लुक है उसके हिसाब से आपको ट्रांसप्लांट का पूरा शेप मिले। तो ये फ्रंटल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में आप ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखना। जब भी फ्रंट लाइन आपको मार्क होगा तब आप ये डॉक्टर से ज़रूर पूछना कि ये बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं आ गया, बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं चला गया, मेरे फेस कटिंग के हिसाब से, मेरे एज के हिसाब से ये बराबर है कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं पहुंच गया, अभी 3:30 बज रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैं थक चुका था कि मतलब सो के वो लोग करते जा रहे हैं, मुझे कुछ काम नहीं, सो रहा हूँ, मतलब इतना टाइम लगता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। अब भी बोर होने वाले हो अगर आप करवाना चाहते हो। एनीवे, बोरियत बहुत इशू नहीं है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है और ये आपको 6-7 साल के लिए एकदम फ्रीडम दे देता है ना, तो दैट वर्थ। नाउ अभी बात करते हैं आज का दिन में मेरा प्रोसीड्योर में क्या क्या था। तो पहले मैं दवाई खा के पहुँच गया था क्लिनिक पे। फिर बेसिकली इसका प्रोसीड्योर कैसा रहता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे आप लोग पौधा लगाते हो छोटा, पहले मिट्टी में गड्ढा खोदते हो, फिर पौधा लेके आके डाल देते हो, फिर मिट्टी भर देते हो,
सेम प्रोसीजर है, इधर पे पहले होल बनाया जाता है, फिर पीछे से या साइड से, डिपेंड करता है आपके कहाँ पे बाल है ज़्यादा। अगर ज़्यादा बालनेस है तो दाढ़ी से भी निकाल सकते हैं। तो आपका पीछे से, बेसिकली ज़्यादातर पीछे से लेते हैं, वो छोटा ग्राफ्ट लेके आपको सामने प्लांट किया जाता है। तो मेरा आज यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 प्लांट हो चुका है मेरा टोटल, सॉरी 2500 प्लांट हो चुका है मेरा टोटल, 4000 प्लांट का बात किया है डॉक्टर ने, तो ऊपर 1500 कल बैठ जाएगा। सो कंटिन्यूस दो दिन का, अगर एक दिन में मेरे हिसाब से भी 2500 के ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि टाइम इतना लगने वाला है। आप मान सकते हो कि हर 100 ग्राफ्ट के लिए आपको 20 मिनट से आधा घंटा लग सकता है। तो मेरा ये 6-7 7-8 घंटा लग गया पूरा मेरा 2500 ग्राफ्ट के लिए। तो आपको कितना ग्राफ्स आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन योर बाल्डनेस, है ना, तो आपको 2000 बोल सकता है, 2500 बोल सकता है, 4000 बोल सकता है। तो उसके हिसाब से आपका टाइम या डे भी वेरी कर सकता है। कभी किसी को ज़्यादा बाल्डनेस है उसको 2 दिन लग सकता है, किसी को कम बाल्डनेस है उसको 1 दिन में प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा अभी 2 दिन चलेगा। तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इधर पे जब मैं आज सुबह मैं आपको बता रहा था कि मेरा पहले का हेयर लाइन काफ़ी आगे आ चुका था, तो मुझे थोड़ा पीछे करने के लिए कोशिश की गई है इधर पे। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा रेडिश टाइप का होकर रखा है। ये एक्चुअली पहले का ग्राफ्स है जो हेयर ग्रो हो चुका था, उसको निकाला गया है। तो होपफुली अगर वापस ना आए देन इट विल वर्क, कि मेरा हेयर लाइन थोड़ा पीछे चला जाएगा और मेरे एज के हिसाब से वो थोड़ा नेचुरल रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। अगर आने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आज के दिन में इतना ही। और हाँ, मैं ये भूल गया था, ये दवाई नहीं, सलाइन वाटर है। बेसिकली सलाइन वाटर मुझे दिया गया है, हर आधे घंटे में आपको स्प्रे करना रहता है। तो एक दो दिन का छुट्टी अगर लेना चाहते हैं तो बेटर है आपको घर बैठे, हर आधे घंटे में, ऑफिस में जाके ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कुछ छोटा मोटा दवाई है जो आप रेगुलरली ले सकते हो। तो आज के दिन में इतना ही था, और भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमको जरूर कमेंट में ज़रूर बताइए। कल के दिन में क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एक्सपेक्टेशन और क्या आउटकम आता है, मैं कल आपके साथ और एक बार शेयर करूँगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका क्वेरी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं आपको जितना हो सके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सोल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आपके लिए सोल्यूशन लेके आने वाला। आपका कमेंट हमारा आपका कमेंट हमको सोल्यू